أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا सूरह निसा आयत नंबर 56 और 57। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयत में अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले और उस पर ईमान लाने वाले दोनों के अंजाम का जिक्र फरमाया है। इससे पहले की आयत में यहूदियों का और अल्लाह की आयतों के इनकार का, नबी पर ईमान के इनकार का जिक्र किया कि किस तरह से उन लोगों ने, जिन लोगों को किताब दी गई, जिनके पास नबी आए, आखिरी नबी पर वो ईमान लाने से इनकार कर ईमान लाने से उन्होंने इनकार कर दिया। जिन पर आसमानी किताबें नाजिल की गई थी उन्होंने आखिरी आसमानी किताब पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह की किताब पर ईमान लाने के इनकार का अंजाम क्या होता है, नबियों पर ईमान के इनकार का अंजाम क्या होता है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको एक आयत में बहुत ही दिक्कत के साथ बयान किया है कि जो काफिर होते हैं, इनकार करने वाले, उसी को काफिर कहा जाता है। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, और काफिर यानी इनकार करने वाला। किस चीज़ का इनकार करने वाला? अल्लाह पर ईमान को इनकार करने वाला, नबी पर ईमान लाने से इनकार करने वाला, इसी तरह से कुरान मजीद पर ईमान लाने से इनकार करने वाला, इस इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। और काफिरों के अंजाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीन कफरू बी आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार कर दिया, सौफ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे। सौफ नुस्लीहिम नारा, अब वो जहन्नम में क्या होगा? जहन्नम को नार कहा गया है, नार का मतलब होता है आग, इसलिए कि जहन्नम का बड़ा अजाब आग के जरिए होगा, इसलिए मुतलक तौर पर कभी उसको जहन्नम कहा गया, कभी उसको सईर कहा गया, कभी उसको नार कहा गया। तो जहन्नम के जो नाम हैं उन नामों में से ज़्यादा नाम ऐसे हैं जो आग की शिद्दत पर दलालत करते हैं। इंसान आग को देखकर डरता है, आग ऐसी चीज़ है, इंसान उसमें दाखिल हो जाए तो जलकर भस्म हो जाता है, और उसको फिर बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और अगर पानी ना हो तो ऐसी सूरत में उसे कोई चीज़ नहीं बचा सकती। अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम का जो गढ़ा बनाया है उसमें मुकम्मल तौर पर आग है, और आग की शिद्दत ऐसी कि जैसे जैसे आदमी उसमें नीचे जाता जाए उतना ही ज़्यादा वो ख़तरनाक तरीके से उसमें जलता चला जाए। और सबसे निचले दर्जे में जहन्नम के अंदर जो लोग होंगे अल्लाह तबारक व ताला ने उनका भी जिक्र फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल असफली मिनन्नार, मुनाफिकीन
मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, निचली जगह पर होंगे, जहां अजाब बहुत ज़्यादा सख्त होगा। अब हम ये जानते हैं कि जहन्नम में आग में कोई चीज़ जलती है तो कुछ देर जलने के बाद वो राख हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इंसान भी अगर कुछ देर जल जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, इंसान की जान निकल जाएगी, जिस्म ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। और बहुत ज़्यादा देर तक जलने के बाद वो जिस्म सड़ने और गलने के बाद राख भी हो जाएगा। तो फिर क्या इंसान के गलने सड़ने या राख हो जाने के बाद फिर वो अज़ाब कहाँ से रहा, बाद में वो अज़ाब ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आग का अज़ाब दिया है वो अज़ाब ऐसा होगा जो बार बार दिया जाएगा। और कैसे बार बार दिया जाएगा? अल्लाह फरमाते हैं कुल्लमा नजजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। जब जब भी उनकी खालें उनकी चमड़ियाँ गल जाएंगी, सड़ जाएगी अज़ाब आग की वजह से, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम उन चमड़ियों के गलने के बाद अब दूसरी नई चमड़ियाँ उसे उन्हें दे देंगे, लियदूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब चखते रहें, अज़ाब चखते रहें। यानी ये समझिए कि जैसे कोई इंसान जेल में है, सजा काट रहा है, तो उसे मारा जा रहा है, बीमार हो गया, बेहोश हो गया, दवाइयाँ दी जा रही है, फिर मारा जा रहा है, फिर बेहोश हो गया, फिर दवाई देकर अच्छा कर दिया जा रहा है, फिर मारा जा रहा है। तो ऐसे ही जब आग के जलने से चमड़ियाँ गल जाएंगी, तो गलने के बाद अल्लाह तबारक व ताला फिर उन्हें नई चमड़ियाँ देगा, फिर नए सिरे से फिर से जलाया जाएगा, फिर वो जल जाएगी, फिर दूसरी नई चमड़ियाँ दी जाएगी। अब ये कब तक के और कितनी देर तक के होता रहेगा? तो इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने लिखा है, कहते हैं कि 70,000 मरतबा, एक एक दिन में 70,000 मरतबा उनको नई नई चमड़ियाँ दी जाएगी। अब 70,000 मरतबा देने का मतलब आग की शिद्दत कैसी होगी, कि आग कितना जल्दी इंसान की चमड़ी को जला देगी, कि थोड़ी ही देर में चमड़ी ख़त्म हो जाए, फिर उसको नई चमड़ी दी जाए, फिर ख़त्म हो जाए, फिर नई चमड़ी दी जाए। तो ऐसे सैकड़ों मरतबा, हज़ारों मरतबा उसके साथ एक एक दिन में होगा। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम, जुलूद चमड़े को कहते हैं, पूरे के पूरे जिस्म का चमड़ा उसका जलकर मुकम्मल गल जाएगा, तो फिर उसे नई चमड़ी दी जाएगी, और इस तरह से वो अज़ाब चलता रहेगा। जब इंसान आग में जलता है तो आग में जलने के बाद उसका जिस्म फैल जाता है, पिघलने से जिस्म फैलने लगता है, होंठ फैल जाते हैं, हाथ फैल जाता है, जितना पिघलता है उतना फैल जाता है। तो उसका भी तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फरमाया, कहते हैं कि जहन्नम के अंदर जलने वाले इंसान की शक्ल कैसी हो जाएगी, किस हालत में वो हो जाएगा। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िरसुल काफिरी मिथ्लु उहुदिन, ज़िरसुल काफिरी मिथ्लु उहुदिन। ज़िरस कहते हैं दाढ़ को, दांतों में जो दाढ़ होते हैं, जहाँ से हम लोग चबा के खाते हैं, ये जो मज़बूत दाढ़, कहते हैं ये दाढ़ काफिरों के जो जहन्नम में जलते होंगे उनके दाढ़ ओहद पहाड़ के जैसे हो जाएंगे, एक एक दाढ़ इतना बड़ा हो जाएगा। तो एक दाढ़ की ये मकदार बताई जा रही है कि एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगा तो फिर चेहरा कितना होगा और जिस्म कितना होगा उस इंसान का, यानी जलने से उनकी जो कैफियत होगी। वगिल्दु जिल्दिही मसीरतु सलासिन, और चमड़ी कैसी होगी? तो कहते हैं कि उसकी चमड़ी की मोटाई
इतनी होगी कि एक घुड़सवार इंसान वो चमड़ी के ऊपर 3 दिन तक चल सकेगा। 3 दिन तक वो जितना चल सके उतनी उसके चमड़े की मोटाई होगी। अभी हमारे चमड़े की मोटाई हम देखते हैं मामूली सी होती है, जिस्म के अलग अलग हिस्से हैं, चमड़े की मोटाई अलग अलग तरह की होती है। तो वहाँ चमड़े की मोटाई इस तरह से होगी। नबी सल्लम फरमाते हैं गोया कि एक 3 दिन तक के इंसान उसके ऊपर चल सके, इतना इतना चौड़ा, इतनी उसकी चौड़ाई होगी, इतनी मोटाई होगी। और दो कंधों के दरमियान का जो फासला है, जहन्नम में जलने वाला जो काफिर इंसान उसके दो कंधों के दरमियान का जो फासला है उसके बारे में फरमाते हैं, मा बैना मन की बई अल काफिरी मसीरतु सलासति अय्यामिन लिर्राकिबिल मुसरिई। इंतहाई तेज रफ्तार घुड़सवार, इंतहाई तेज रफ्तार घुड़सवार अगर एक कंधे से दूसरे कंधे की तरफ जाना चाहे तो वो सवारी करते करते वहां तक 3 दिन के बाद पहुंचेगा। अब ये इंसान तो तसव्वुर नहीं कर सकता इन सब चीजों को। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के बारे में फरमाया कि जन्नत में ऐसी चीजें कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, ऐसी जहन्नम का अजाब भी है। यहूदियों का उनके जरायम का जिक्र फरमाया और फिर उसके फौरन बाद आप यहाँ जहन्नम का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह की आयतों का इनकार, अल्लाह नबी पर ईमान का इनकार, ये आसान नहीं है कि बस आदमी ऐसे ही हल्के में ले ले दुनिया के अंदर और ये समझ जाए कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जहन्नम के, जहन्नम का सबसे हल्का जो अजाब होगा उसके बारे में आप फरमाते हैं, इन अहवन अहलिन नार अजाबन मन लहू नालानी व शिराकानी यगली मिन हुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जलु मा यरा अहदन अशद मिनहु अजाबन फइन्नहु लअहवनुहुमा अजाबा। यानी सबसे हल्का अजाब जहन्नम का ये होगा कि आदमी को दो जूते पहनाए जाएंगे, उन दोनों जूतों में दो तस्मे होंगे, जो डोरियां होती हैं वो डोरियां होंगी, और उन जूतों की वजह से उसका दिमाग खोलेगा। जिस तरह से पानी गर्म होने के बाद उबलता है, खोलता रहता है, ऐसे उसका दिमाग खोलेगा और उसको ऐसा महसूस होगा कि उससे दर्दनाक सख्त आजाब किसी को नहीं है, सबसे ज़्यादा सख्त आजाब उसी का है। उसको अपने आजाब के बारे में ये महसूस होगा कि सबसे ज़्यादा सख्त आजाब उसी का है, हालांकि सबसे हल्का आजाब उसे दिया जा रहा है। अब ये सबसे हल्के आजाब की शक्ल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की सही मुस्लिम की ये रिवायत है, नौमान बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे हल्के अजाब का ये तस्किरा है। हल्के अजाब का ये जिक्र है और सख्त अजाब का उस जिक्र है कि बार बार उनकी चमड़ियाँ बदलती चली जाएगी और फिर उनका जिस्म की यह हालत होगी, उनके दाढ़ की यह हालत होगी, उनके दो कंधों के दरमियान की और चमड़े की मोटाई की वह हालत होगी। ऐसे दर्दनाक शक्ल बयान करके आदमी को अल्लाह तबारक व ताला डराना चाहता है कि देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जहन्नम में। जब इंसान को सख्त सजा का जिक्र उसके सामने किया जाए तो इंसान थोड़ा डर जाता है। अब अगर ऐसी चीज़ें जहन्नम के अंदर की ये चीज़ें, वहाँ का अजाब, वहाँ की सख्तियाँ, वहाँ की सजाएँ, इनका जिक्र करने के बाद, सुनने के बाद भी अगर इंसान को डर न लगे तब ऐसी सूरत में इंसान कहाँ सुधरे, किस जगह पर उसको उसके उसके लिए हिदायत की तमन्ना की जा सकती है। कुल्लमा नज़्ज़त जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक अल्लाह तबारक व ताला
غالب ہے اور حکمت والا ہے. جب یہ عذاب کی آیت کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد انعام کا بھی ذکر کر دیا تاکہ انسانوں کو پتا چلے کہ اللہ کے پاس صرف جہنم ہی نہیں ہے, اللہ کے پاس جنت بھی ہے. برائی کرنے والے کے لیے ایسا ہے اور پھر نیک کام کرنے والے کے لیے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بے انتہا انعامات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو ایمان لاتے ہیں, جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, نبی پر قرآن پر ایمان لاتے ہیں, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہاں پر ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا, ایمان لایا اور نیک عمل کیا. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف میں علماء کا اس بات پر زیادہ تر اتفاق ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. جب ایمان کہا جاتا ہے تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کا اقرار کر رہے ہیں, دین کا اقرار کر رہے ہیں, نبی کا اقرار کر رہے ہیں, زبان سے آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ ایمان کی ایک علامت ہے. دوسرا اعتقاد عمل بالارکان, یہ عمل بالجوارح, عمل کرنا. جیسے آپ نے اقرار کیا ہے ویسے آپ عمل بھی کر رہے ہیں, ویسے آپ عمل کر رہے ہیں. اور تیسرا اعتقاد بالجنان, دل سے, اعتقاد بالقلب, دل سے عقیدہ رکھنا, یقین کرنا. جب تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تب جا کے وہ انسان مومن ہوتا ہے. اب کوئی اگر زبان سے اقرار کر دے لیکن عمل نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے. جیسے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارے پاس بعض جلسوں میں کچھ کافر لوگ آتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے, جب مسلمانوں کے جلسے ہوتے ہیں تو آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان تالیاں بجاتے ہیں, واہ یہ تو پنڈت جی ہیں, یہ فلاں جی ہیں اور یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کیا ہو گیا. تو یہ تو زبان سے ہو گیا, عمل کا ہے, عمل نہیں, اس کا مطلب ایمان نہیں ہے ان کے پاس, بس یہ ایسے ہی ہے. یعنی زبان سے اقرار بھی ہونا ہے اور وہیں عمل بھی ہونا ہے, اور پھر تیسری چیز دل سے یقین بھی ہونا ہے. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے, نبی سے کہا تھا کہ آپ کا جو دین ہے بالکل صحیح ہے, آپ کا دین بالکل صحیح ہے, وہ یقین کرتے بھی تھے. اسی لیے انہوں نے ہر حالت میں اپنے لوگوں سے دشمنی مول لی لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. عمل کیا انہوں نے؟ نہیں عمل کیا, انہوں نے عمل نہیں کیا. آخر وقت میں ان سے کہا گیا تھا کلمہ پڑھ لیجئے, اس طرح یقین تھا آپ کو کہ ساری زندگی آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ برابر کہتے تھے کہ یہ دین حق پر ہے, یہی دین صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا اب آخر وقت ہے, کم سے کم اقرار تو کر لیجئے زبان سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لیجئے. نہیں پڑھا انہوں نے. تو کسی کو دل سے یقین ہو جانے پر بھی وہ مومن نہیں ہوتا ہے, صرف زبان سے پڑھ لے تو بھی مومن نہیں ہوتا ہے. زبان سے اقرار بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے اور عقیدہ بھی ضروری ہے, تینوں چیزیں ضروری ہیں. دل سے یقین کرنا بھی ضروری ہے تب جا کر وہ مومن ہوگا. اب یہاں پر ایمان کے بعد عمل صالح کا جو ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں نیک عمل کی تاکید کر دی گئی. ایمان کے اندر تو عمل صالح آ گیا, پھر بھی عمل کو الگ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تاکیدن ذکر کرنا کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا, سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی.
बागात का जिक्र और उनके नीचे नहरों का जिक्र, क्योंकि इंसान किसी भी जगह जहाँ बाग हो और वहाँ पानी हो, ऐसी जगह पर इंसान जाने का ख्वाहिशमंद होता है जहाँ करीब में पानी भी हो और पौधे हो, फूल हो, दरख्त हो, बाग बना हुआ हो। सिर्फ बाग हो, पानी ना हो, वो भी नहीं अच्छा लगता। सिर्फ पानी हो और वहाँ हरियाली और पौधे वगैरह ना हो, वो भी नहीं अच्छा लगता। ना बाग भी हो और पानी भी हो तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी जगह है, इंसान को लुत्फ आता है, इंसान को अच्छा लगता है, उसे खुशी महसूस होती है। तो इंसान की ये फितरत में है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो उनको ठिकाना देगा, जो जगह देगा, तो वो जगह ऐसी होगी जहाँ बागात होंगे और वहाँ उनके नीचे नहरें भी जारी होंगी। अब इस जन्नत का जो जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अल्लाह फरमाते हैं अअदतु लिइबादी मा ला आयनुन रात वला उदुनुन समियात वमा खतर अला कल्बी बशर। मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत में क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं, जो चीज़ें मैंने रखी हैं वो मा ला आयनुन रात, इन ऐसी चीज़ें कि आंखों ने कभी उसे देखा नहीं है। मा ला आयनुन रात, और फिर वला उदुनुन समियात, और कानों ने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं है। वमा खतर अला कल्बी बशर, और इंसान के दिल में ऐसी बात कभी आई भी नहीं होगी। ऐसी चीजें वहां मौजूद हैं। अल्लाह की जो नियमतें हैं दुनिया के अंदर, जो अच्छी अच्छी चीजें हम देखते हैं, इनसे बहुत बड़ी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें जो हमने कभी देखा नहीं है, जो कभी हमने सुना भी नहीं है। उमा खतर आला कल्बी बशर, और न इंसान के दिल पर कभी, दिल में कभी वो चीजें आई हैं। अब वो कैसी चीजें हैं, कैसा वहां का नजारा है, कैसी वो नियमतें हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। तो जैसे यहां जहन्नम की सख्ती बयान की, वैसे यहां पर जन्नत का बड़ा इनाम भी बयान कर दिया। खालिदीन फीहा अबदा, और उसमें वो लोग हमेशा रहेंगे। इस जन्नत के अंदर, इन जन्नतों में, इन बागात में वो हमेशा रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और वहां पर उनके लिए पाकबाज बीवियां होंगी। पाकबाज औरतें नहीं होंगी, बीवियां होंगी। यहां बीवियों का जिक्र किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। औरतों, औरतों में और बीवियों में फर्क है। औरतें ये तो ऐसी ही होती हैं, जन्नत में इंसानों को औरतें नहीं दी जाएगी, मोमिनीन को बीवियां बना, बीवियां दी जाएगी। यानी वो बीवियां भी जो दुनिया की हैं, अल्लाह यानी इंसान जैसे उनको चाहेगा, जिस तरह से पसंद करेगा, उनको उस शक्ल में तब्दील कर देगा। और साथ में वहां की भी जन्नत में जो हूरें हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें भी बीवियों की शक्ल में उनको दे देगा। अब वो कैसी होगी, लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, वो पाकबाज बीवियां होगी। किस चीज से पाक होगी, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं ने बोलो बाजार से पाक होगी, यानि पेशाब पाखाना या ऐसी चीजें, ये सब उनको नहीं आएगी ऐसी कोई भी चीज़। और इसी तरह से इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया है कि बलगम है, इसी तरह से हैज है, निफास है, और बच्चे पैदा करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब से वो पाक होगी। ऐसी कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई गंदगी वहाँ पर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी नियमतें उन्हें अता करेगा। वनुदखिलहुम ज़िल्लन दलीला, और एक बेहतरीन बेहतरीन साये में उनको रखेगा, बेहतरीन साया। इंसान बाग में हो लेकिन वहां अगर धूप हो तो बाग में इंसान किसी छांव की तलाश में होता है कि छांव में बैठें, बाग का नज़ारा भी करें, पानी भी सामने से बह रहा हो,
तो उसे अच्छा महसूस होगा। तो अल्लाह ने फरमाया वनुदखिलुहुम ज़िल्लन दलीला, और उन्हें हम बेहतरीन साये में रखेंगे। अब वो साया कैसे होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तज़किरा फरमाया है कि वो साया इस तरह से होगा कि इन्न फिल जन्नति लशजरतन यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा मियत आमिन ला यक्ताउहा। जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा कि सवार इंसान, घुड़सवार इंसान अगर उसके साये में 100 साल तक चलता रहे तो भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। अब उस दरख्त का साया कैसे होगा, कितना बड़ा दरख्त होगा, फिर उसका साया कितना होगा? तो जैसे जहन्नम की सख्ती बयान की, वैसे यहां पर भी कि 100 साल तक एक घुड़सवार उसके साये में चलता रहे तो भी उसका साया खत्म ना हो। तो हर इंसान को जन्नत में बड़ा कुशादा महल दिया जाएगा। इंसान कुशादगी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, और ख़ास तौर पर जहां इंसान घूमने के लिए, तफरी के लिए, सुकून और राहत के लिए जाता है तो वहां चाहता है कि कोई बड़ी जगह हो, जहां तक देखे वहां तक अच्छा ही अच्छा दिखाई दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम, जन्नत के बारे में ऐसा ही तज़किरा फरमाया है। तो ये कुरान मजीद का ये तरीका है कि जहां पर वईद का जिक्र होता है, धमकियों का, अजाब का, सजा का, वहीं पर नेमतों का, वाद का भी जिक्र होता है, नेमतों का, अच्छाइयों का, अच्छे अच्छे बदले का, ताकि एक ही जगह पर इंसान दोनों चीज़ें पढ़ ले और फिर ये अपने आप के बारे में फैसला करें कि मैं इनमें से हूँ या इनमें से हूँ, मैं कौन से रास्ते पर जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इस रास्ते पर जा रहा हूँ कि वो नतीजा फिर जहन्नम में चला जाए। तो उसी जगह पर इंसान को इस बात का एहसास हो कि मुझे तौबा कर लेना चाहिए और सही रास्ते पर जाना चाहिए, अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, कुरान पर ईमान लाना चाहिए, नबी पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत बनाए और मरते दम तक हमें ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को जन्नत अता फरमाए, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे वो अहबाब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उन सब को भी हर तरह के अजाब से महफूज रखें, उन्हें भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।